एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, जितने भी न्यू ब्लॉगर हैं जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर होता है और वो हमेशा किसी ना किसी से ये बात पूछते हैं कि कितने वर्ड की ब्लॉग पोस्ट लिखनी चाहिए जिससे उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में गूगल एडसेंस का कम्प्लीट प्ले लिस्ट बनाई हूँ और जिससे बहुत सारे लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल रहा है। वैसे तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है, अब देखेंगे ये जो एडसेंस की प्लेलिस्ट है ना, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है, हर एक छोटी छोटी चीज मैंने कवर की है जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। लेकिन फिर भी इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगी कि कितने वर्ड की ब्लॉग पोस्ट लिखनी चाहिए अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। तो जितनी भी मैंने ब्लॉग्स देखे हैं, जितने भी ब्लॉग हमने गूगल एडसेंस से अप्रूवल कराए हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे 11 पोस्ट में भी हमने एडसेंस का अप्रूवल लिया है और 50 पोस्ट में भी हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। अब ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको कम से कम 15 से 20 आर्टिकल, मैं 11 भी नहीं पकड़ती हूँ, ऑन एन एवरेज पकड़ती हूँ, जिससे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूवल मिल जाए, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि 15 से 20 आर्टिकल या 20 से 22 आर्टिकल, 20 से 22 आर्टिकल बहुत सेफर साइड है, यहाँ पर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, तो कम से कम 20 से 22 आर्टिकल जो आप लिखेंगे उसमें आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, तो उनकी वर्ड लिमिट जो होती है वो होती है 1000 से 1500 वर्ड। आपको 600 वर्ड के आर्टिकल नहीं लिखने, आपको 1000 वर्ड से 1500 वर्ड के आर्टिकल लिखने हैं, 2000 वर्ड के आर्टिकल लिखने हैं, ऑन एन एवरेज 1500 पकड़ लो, 1000, 1500, 2000 वर्ड के आपको 20-22 आर्टिकल लिखने हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। अगर आपका न्यूज ब्लॉग है या फिर कुछ ऐसा ब्लॉग है जिसमें बहुत कम ही इंफॉर्मेशन होती है, आप बहुत ज्यादा उसे लंबा नहीं लिख सकते, बहुत ज्यादा बड़ा उसे नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 40 से 45 आर्टिकल लिखने हैं 600-600 वर्ड के। मतलब अगर आपका जो वर्ड लेंथ है वो कम है तो आपको आर्टिकल की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। मतलब कि कोई न्यूज ब्लॉग है तो आप उसमें 40, 45, 50 आर्टिकल लिख लें 600 वर्ड के। ये मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रही हूँ जिस पे हम लोग ने ज्यादातर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। तो अगर हमारे न्यूज ब्लॉग होते हैं तो उसमें जो न्यूज होती है वो हम कम से कम 40-45 पब्लिश करते हैं, छोटी छोटी न्यूज रहती है और एक दिन में 4-4, 5-5 पोस्ट बहुत आराम से हो जाती है, तो 40-45 तो एक महीने में ही हो जाती है। तो इतने आर्टिकल लिख के न्यूज ब्लॉग में हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं। जो हमारे माइक्रो निश ब्लॉग होते हैं, जो हमारे निश ब्लॉग होते हैं, उनमें हम 20 से 22 आर्टिकल में ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं, कभी कभी हम 16-17 में भी ले लेते हैं, मिल जाता है हमें कम, क्योंकि हम उसमें 1000, 1200, 1500 वर्ड के आर्टिकल लिखते हैं। अब ये जो आर्टिकल वर्ड की लेंथ है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जबरदस्ती वर्ड नहीं बनाना। जो भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो उस कीवर्ड में आप देखो क्या रिलेवेंसी है, कितने वर्ड में वो कीवर्ड खत्म हो जाएगा। कभी कभी हमारे पास ऐसे कीवर्ड होते हैं जो 1 वर्ड के होते हैं, 1 पैराग्राफ के होते हैं, मतलब उस जो हमारा जो मेन टाइटल है, जो मेन हमारा फोकस कीवर्ड है, उस मेन फोकस कीवर्ड में हमारा एक पैराग्राफ में आंसर कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें लगता है कि अब हम इसमें और क्या लिखें। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप गूगल में सर्च करके उसके रिलेटेड कीवर्ड्स निकालिए और फिर उनको सब हेडिंग्स बनाइए। मतलब कि जो मेन टाइटल है, मेन टाइटल में जो आपका मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड उस यूजर को और क्या जानना है, उससे रिलेटेड आप क्या करिए, सब हेडिंग्स बनाइए, हेडिंग्स बनाइए, और ऐसे करके आप अपने आर्टिकल को बड़ा कर सकते हैं। एक क्वालिटी आर्टिकल लिखना है तो सबसे पहले तो आप ऐसे कीवर्ड रिसर्च अच्छे से कर लो। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है ना, तो आपके ब्लॉग रैंकिंग होंगे बहुत आसानी से होंगे, अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है। उसके बाद आपको अपना क्वालिटी ब्लॉग टाइटल बनाना है। जो भी आप टाइटल बना रहे हो वो क्लिकेबल होना चाहिए, क्लिक बैट यूज नहीं करना है, क्लिकेबल होना चाहिए, मतलब पढ़ के लगे कि नहीं भाई यहाँ पे मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसको क्लिक करके देख लेते, ऐसा क्लिकेबल आपका जो टाइटल होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, अपने ब्लॉग का फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट मतलब फर्स्ट जो 100 वर्ड हो वो आपको ऐसे लिखने हैं जो काफी इंगेजिंग हो, है ना, उसके बाद जो मेन हेडिंग है वो लिखिए, उसके बाद आप सब हेडिंग्स बना लीजिए, लास्ट में आप कंक्लूजन बना लीजिए, FAQ ऐड कर दीजिए, टेबल लगाइए, टेबल लगाइए, इमेजेस लगाइए, इमेजेस लगाइए, अननेसेसरी वर्ड को मत बढ़ाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करिएगा। एक ब्लॉगर को लिखने की कला आनी चाहिए, मतलब अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपके अंदर एक आर्ट होनी चाहिए कि आप अपनी चीजें भी पूरी कर दो, आपका यूजर एक्सपीरियंस भी बना रहे, आपका यूजर बोर भी ना हो, और आप जो करवाना चाहते हो कॉल टू एक्शन, मतलब कि जैसे कि आपने इंटरनल लिंक की है तो आप चाहते हो कि वो दूसरे पेज पे भी विजिट करे, तो उतनी डिलीजेंसी से उन्हें करिए कि वो यूजर आपके सोचे हुए प्री प्लान फॉर्मेट पे वर्क करे। तो इस तरह से आपको लिखना होगा,
और ज्यादा से ज्यादा पेज व्यू होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी इससे। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप सो कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो आपका डाउट था कि आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए कितने वर्ड के आर्टिकल लिखने चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 15 से 20 आर्टिकल लिख के आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको 1000, 1200, 1500 वर्ड के लिखने होंगे। या फिर अगर आप न्यूज वेबसाइट है जिसमें आप छोटे छोटे आर्टिकल न्यूज कवर करते हैं तो 40-45 आर्टिकल लिख लीजिए, 50 आर्टिकल लिख लीजिए, तो आपको न्यूज साइट में मिल जाएगा। इन सब चीजों में आपको फ्रेशनेस का ख्याल रखना है, लेटेस्ट जो चीजें आ रही है, जो फ्रेश कीवर्ड्स है जिस पर इंटरनेट में पब्लिश नहीं किया गया है, उस तरह की कीवर्ड रिसर्च करिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाके गूगल एडसेंस की प्लेलिस्ट देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी चीजें बताई हुई है और काफी लोगों को इससे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, तो आपको भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।